हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 लिखा, इसमें से एक माइनस किया, 4 में से एक माइनस किया 3, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3 में से एक माइनस किया 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसमें से एक माइनस किया 1। ऐसे इसको ओपन करना है 1 तक, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 25, यानी कि 4 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 24। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल सॉल्व करके देखते हैं। 5, इसमें से एक माइनस किया 4, एक माइनस किया 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 120। यानी कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है मेरे पास 24 और 5 फैक्टोरियल की 120। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को ओपन करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 720। तो ये होता है फैक्टोरियल। होता है जैसे n फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 ओपन किया, ऐसे ही n में से एक माइनस करेंगे n-1, इसमें से एक माइनस करेंगे n-2, n-3, ऐसे चलता जाएगा। और कहाँ तक ओपन करना है मुझे, 1 तक। इसमें कहीं 3 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा। तो ये हो गया मेरे पास n फैक्टोरियल। ऐसे ही 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है और 1 फैक्टोरियल भी हमेशा 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 होता है हमेशा, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 4 फैक्टोरियल माइनस के 3 फैक्टोरियल। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 18, 24, 16 और 32। तो राइट आंसर क्या है, कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है तो 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 4 × 3 × 2 × 1, और माइनस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, ठीक है दोस्तों। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, माइनस के 3 × 2 = 6, 24 में 6 के कितना होता है, 18। एक तो ये प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा आप प्रोसीजर देखते हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। 4 फैक्टोरियल को मैं 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा वही चीज़ यहाँ तक ओपन हो जाएगा। मैंने 3 फैक्टोरियल तक लिखा है इसको, मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। और माइनस के 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 3 फैक्टोरियल यहाँ भी है और 3 फैक्टोरियल यहाँ भी है, तो टेकिंग कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, 4 − 1, 3 फैक्टोरियल × 3, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, × 3, 6 × 3 = 18। तो 18 क्या है मेरा राइट आंसर। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 12 फैक्टोरियल माइनस के 10 फैक्टोरियल बाय में 9 फैक्टोरियल, और आपको 4 आंसर दे दिए जाएंगे तो एक कोई राइट आंसर होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या है, इसमें से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है इसमें, 9 फैक्टोरियल है। 12 फैक्टोरियल को भी 9 फैक्टोरियल तक ओपन करो, 10 फैक्टोरियल को भी 9 फैक्टोरियल तक ओपन करो, और टेकिंग कॉमन। जैसे 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, हाँ जी, और 10 को डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। 9 फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 9 फैक्टोरियल ऊपर से क्या आ गया, कॉमन। अंदर क्या बचा मेरे पास, बाय में 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, 11 × 12 माइनस के 10। तो ये 1 2 1 2 1 0, तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, n की वैल्यू है मेरे पास 7 और r की वैल्यू है मेरे पास 3,
और फाइंड आउट करो n फैक्टोरियल y में n माइनस के r फैक्टोरियल, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे a, b, c और d। a है 220, 210, 200 और 180। तो राइट आंसर क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू क्या है, 7, 7 फैक्टोरियल बाय में 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इसमें छोटा क्या है 4 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लो, 4 फैक्टोरियल। इसके साथ ये कट गया, ऊपर क्या बचा 6 5 30 और 210, और 210 क्या मेरा बी, यानी कि बी क्या मेरा राइट आंसर। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स बाई 8 फैक्टोरियल, और पूछ लेगा एक्स की वैल्यू क्या है, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 62, 64, 32 और 8। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है 6 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल को भी 6 फैक्टोरियल तक ओपन करो और 8 फैक्टोरियल को भी 6 फैक्टोरियल तक ओपन करो। 1/6 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, 7 फैक्टोरियल को भी 6 फैक्टोरियल तक ओपन करना है, ऐसे ही इसको 6 फैक्टोरियल तक ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, 1/6 फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में लेके आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 1/7 एक्स बाय, यहाँ क्या यहाँ तो सेम है। ठीक है दोस्तों, 6 फैक्टोरियल इस तरफ और 6 फैक्टोरियल इस तरफ कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 7 × 7 और 1 × 8 8/7 एक्स बाय 8 × 7। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा मेरे पास 8 × 8 × 7 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 कट गया तो 64, तो मेरा बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस के 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे इज इक्वल टू है 44/3, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और n की वैल्यू पूछ ली जाएगी। जैसे चार ऑप्शन आपके पास a, b, c और d, चार ऑप्शन है 5, 6, 4, 2। ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने का एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, आप इसको ओपन करो और फिर सॉल्व करो। दूसरा मेथड क्या है, आप जो ऑप्शन है वो पुट करके देखो, जो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगा वो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं कैसे, पहले मैं एन की जगह पे 5 पुट करके देखता हूँ, इसमें अगर ये बराबर आ गया तो क्वेश्चन ठीक है मेरा, 5 एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखते हैं, एन की जगह पे 5 पुट किया, 5 × 2 यहाँ पे बन गया 10 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ है, 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 10, 10 में से 3 के कितना होता है 7 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 × 2 गया 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आना चाहिए 44/3 के, इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं 10 फैक्टोरियल, मुझे 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना है, अगर मैं 10 को 7 तक ओपन कर दूं, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, अगर मैं 5 को 2 तक ओपन कर लूं, ठीक है दोस्तों, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट गया, इसके साथ ये कट गया, इक्वल टू क्या था 44/3, तो मेरे पास क्या बचा 10 × 9 × 8 / 5 × 4 × 3, 4 × 8, 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10, यानी कि ये क्या बराबर नहीं आएगा,
44/3 ये इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ए सेटिस्फाई नहीं किया, ये बी देखते हैं, बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एन की जगह पे 6 पुट करके देखते हैं, 6 × 12 = 3 × 12 × 2 = 4 × 4 = 6 ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर आना चाहिए, 44/3। सोल्व करते हैं इसको, 12 को लिख सकता हूँ, हाँ जी, 3 × 9 = 2 × 4 = 6 को मैंने 4 तक ओपन कर दिया और इसके साथ काट दिया, ये इसके साथ कट गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास क्या बच गया, 12 × 11 × 10 × 2 ये, और डिवाइड बाय क्या, 3 को मैं 2 तक ओपन कर दूं और ये 2 इसके साथ कट गया। ठीक है दोस्तों, 6 × 12 और 5 × 10 तो क्या बचा, 11 × 22 × 44 / 3 यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि बी क्या गया मेरा राइट आंसर, यानी कि एन की वैल्यू क्या है, 6 है, यानी कि एन की वैल्यू 6 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड, यानी कि एन सिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास n + 1 = 12 और n − 1 चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, 3, 4, 5, 6 तो राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। मैं ऑप्शन पुट करके देखूंगा इसमें n की जगह पे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड बराबर आ गई, तो वही क्या इसका आंसर है, आइए देखते हैं। पहले ए ट्राई करते हैं, यानी कि एन की जगह पे 3 पुट करके देखते हैं, 3 + 1 = 12 और 3 − 1 = 4 × 12 × 2 = 4 4 को ओपन कर लिया और 12 × 2 को भी ओपन कर लिया, इसको सॉल्व किया, क्या है मेरे पास 24 = 24। ठीक है दोस्तों, तो ए क्या देगा राइट आंसर, आपको बी सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ए पे ही क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी, तो ए क्या जाएगा मेरा राइट आंसर, एन की वैल्यू क्या है 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट में, जैसे क्वेश्चन आ गया 3 × 6 × 9 × 12 × 15 × 18 और आपको 4 आंसर दे दिए जाएंगे, ए बी सी और डी, 3 × 6 = 6 ए और बी है 3 × 5 = 5 सी है 3 × 4 = 4 और 3 × 3 = 3 तो राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। 3 को मैं 3 × 1 लिख सकता हूँ, 3 × 3 ऐसे 6 को 3 × 2 लिख सकता हूँ, सेम ऐसे 9 को 3 × 3 लिख लिया, 12 को 3 × 4 और 15 को 3 × 5 और 18 को 3 × 6 ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 यहाँ भी है तो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 × 6 = 3 × 6 हो गया। यहाँ क्या बचा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठीक है दोस्तों, 3 × 6 इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ, अगर 3 × 6 और इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, 6 को ओपन करूँगा तो ये चीज़ आएगा, यानी कि इसको 6 लिख सकता हूँ और ये क्या मेरा ए, तो ए क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फैक्टोरियल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, आई होप आपको ये समझा होगा, थैंक यू वेरी मच।